कानपुर जिले के ग्राम धामन गांव के किसान अब शासन की ओर से मिले नुकसान के मुआवजे की राशि वापस करने की तैयारी में हैं। किसानों का कहना है कि हमारा 50 से 70% तक नुकसान हुआ है और केवल हमें 20 से 30% ही मुआवजे की राशि मिली है, जबकि पंचायतों में 50 से 60% मुआवजा देने की लिस्ट चस्पा की गई थी, लेकिन इसके आधार पर हमें मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे 100 से अधिक किसान हैं जिन्हें मुआवजे की राशि कम मिली है। जिले के धामनगांव के 100 से अधिक किसानों ने अब जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में खाट पंचायत करेंगे, यहां पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। इसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम शासन की ओर से मिले कम मुआवजे की राशि को शासन को लौटा देंगे। किसान हंसराज पाटिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी द्वारा गलत सर्वे किया गया है जिस कारण हमें कम मुआवजा मिला है। जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की तो उनका कहना है कि किसानों की समस्या सामने आई है, पटवारियों को दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, सर्वे शुरू कर दिया गया है, जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी जिससे किसानों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। गत 28 अप्रैल को हमारे धामनगांव में जो ओलावृष्टि हुई थी, उस ओलावृष्टि में हमारा बहुत केले का नुकसान हुआ था, जिस संबंध में शासन ने जो मुआवजा दिया माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 41 करोड़ 85 लाख रुपए, लेकिन हमारे पटवारी की जगलरी बोलो या गलती बोलो या जानबूझकर जो भी किया है उसने, तो उस हिसाब से उसने लिस्ट जो चस्पा की वो अलग की और मुआवजा की लिस्ट अलग बनाई। उसमें हम सभी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, जो कि यानी किस जो लिस्ट चस्पा हुई थी वो 54%, 55%, 60% ऐसी हुई थी नुकसानी की, और मुआवजा दिया गया 40%, 30% के हिसाब से। उस संबंध में हम कलेक्टर महोदय को इसके पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय उस पर कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। आज हम यहाँ आके कलेक्टर महोदय से मिल के अगर वो हमारे समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आने वाले मंगलवार को खाट पंचायत लगाएंगे। यहाँ पे खाट डाल के पूरे धामनगांव के किसान आमरण उपोषण पे बैठ जाएंगे। कितने किसान ऐसे जो प्रभावित हुए हैं? करीबन 100-150 किसान हैं। और क्या मुआवजा वापसी देने की कोई रणनीति? वो बस 2-3 दिन ऐसा बोल रहे हैं शासन के लोग, लेकिन मुआवजा कुछ दे नहीं रहे हैं। यदि नहीं आपको नियम अनुसार नहीं मिलता है तो क्या मुआवजा आपको जो मिला है वो भी वापसी देंगे? वो भी वापसी देंगे और यहीं पे हम रहेंगे कलेक्टर ऑफिस में। क्या नाम आपका? हंसराज पाटिल।